गुड मॉर्निंग गाइस, टाइम उस समय 11 है और अभी रेडी होके पीछे आए हैं और हम जा रहे हैं आज थोड़ा गोवा को एक्सप्लोर करने, जो कि साइड विजिट था। चले भाई, फिर चश्मे ले लो पहले मैं, तुम्हारे भाई ने बियर्ड ट्रिम कर दी क्योंकि यार बड़ी हो रही थी और आया वो जीरो निकल गई मेरे हिसाब से, शायद जीरो तो नहीं है, तब थोड़ी बहुत है, आपको दिखेंगे नहीं। चश्मे देख लेते, अगर छपरी वाले ले लो, टिकटॉक या वाले पकड़िए भैया, बहुत महंगे बोल रहा था भाई। सन ग्लासेस है तो नकली थे, पता नहीं यार बाहर आते नहीं, ऐसा चाहिए कि दूसरी गर्मी लगन लगन घोट सो हो गया एकदम से। अरे तो अपने को लेनी है स्कूटी, रात ली थी वो रात रात के ली थी बस, मतलब थोड़ी एक डेढ़ घंटे के लिए ली थी, एक घंटे घूम के आना और पूरे के क्या फ़ायदा है, इसलिए हमने थोड़ी देर के लिए 100 रुपये दिए मक भाई, हमको एक घंटे के लिए दिखा दो उस खाली। बाकी यार गाड़ी लेके घूम तो सकते नहीं वो, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है ना भाई। हम दोनों चश्मे ने देख रहे हैं, इसी से देख रहे हम दोनों भाई घूम रहे, जा कर शीशे वाकर नुचौड़ खड़े हो जा, कोई भी चलेगा तो स्कूटी चलना चाहिए। क्या कितने का, कितना दिन का? हाँ 3 दिन तो चाहिए, 400 लेते हैं। रात 300 रुपये में यही दे रहे होटल वाले भाई, अरे को एक्टिवा ही दे दे, हमें कौन से जरूरत है। क्या प्राइस है भाई? इतना दिन, इतना दिन, एक दिन के लिए चाहिए वैसे, 2-3 दिन है, एक दिन है 400 रुपये और 3 दिन है 350 करके आपको कराएगा। महंगा दे रहा है भाई, हमारा तो गाड़ी ले रहे हैं बेटा, तो नहीं सुनना पता गाड़ी वाले हैं भैया, चश्मा नहीं लिया तुमने? ना चश्मा भाई मार की ऑक्स सही है भाई। क्यों यार भाई क्यों दो यार, वो तेरे को पता है गाड़ी का पीस मलान बात देखे मौज कर दी, हम तो हैवी ड्राइवर पड़े हैं, कल से गाड़ी अपनी खड़ी है। इतनी गर्म तो ना भाई, इतनी गर्म ना, सोने में निकल गया पूरा दिन। अरे यार भाई वही तो दिक्कत है कि अपना नींद पूरी ना हुई ना भाई, भाई बिना क्लच के ना हो स्टार्ट हो, सांस ना आ रही, सांस थोड़ा स्टार्ट छोड़ गया वो भाई, अब दिया तो भंगा उल्टा वापस छपरी वॉल छपरीज। अपनी गाड़ी हो चुकी है तैयार उड़ान भरने के लिए। बाकी एक चीज मेरे को यहाँ समझ में नहीं आ रही, अगर आप स्कूटी पे घूम रहे हो ना या फिर आप पैदल घूम रहे हो तो आपको मास्क की जरूरत नहीं है, अगर आप गाड़ी में घूम रहे हो और आपकी गाड़ी कैसे कौन से आउट ऑफ स्टेट की है, जैसे हरियाणा हो गया कोई और स्टेट की, गोवा की नहीं, तो आपको मास्क जरूरी है। ऐसा क्यों सचिन भाई? मतलब खर्चा ज्यादा करने वाले गाड़ी में घूम रहे हैं, पैसा वाला आदमी है, हाय गर्मी अभी कर लो लौट के आज गद्दे है कमा नरे पे बढ़ जाओ कहते यार, ओ भाई लो मलग रही है, एक मिनट रुक जाओ, सेफ्टी जरूरी है भाई, ऐसे पार्किंग वाले को बोल दिया, पहचान लिया है ना, आ रहे हैं हम गाड़ी लेके वापस छोड़ेंगे, घूम के आते हैं थोड़ा, आज की स्कूटी से भी को मजा आ रहा है ना, हमको गाड़ी है हमारे पास। अच्छा मास्क लगाना जरूरी है यहां पे? हां मास्क लगाना, थोड़े पीछे भी अपने दूसरे स्टेट में अपनी गाड़ी से घूमने में मजा कुछ और ना नोटिस करते फिर एक अलग ही टॉर्च लगना अपने आप एक दूर आए हम यार हरियाणा तो आ रहे हैं यार, तुम भी हैवी ड्राइवर, बड़े हैवी ड्राइवर, सांस की चाय ले रहे तो गो वाले नु देख रहे हैं करा क्या चाहिए बियर मगर ना नींबू दे दे, अच्छा नींबू चाहिए मगर नींबू ठा नहीं, अरे मगर नींबू उसको कुछ ये चाय देना, साला शाम के 7 बजे चाय मांग रहे मना कर दे, चाय इस टाइम चाय मगर करा नहीं, चाय नहीं मिलेगी इस टाइम, वाह उन्होंने सोचिए बियर लेने वाले डेढ़ घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए हैं हर वेलम वाटरफॉल। भाई सही रहा हमने गाड़ी चूज की, यानी तो अगर स्कूटी से आ जाते ना तो जल जाते भाई, जलते ना कति वरेंडे हो जाते, वरेडी जिसे कल हो रही होगी लोग चले सौदा था के बना दिया के
भाई साहब सौदा के नहा धोकर लिखा कति सौंद को पहुंचे कति बड़ काले बड़ा है तो से आवाज आ रही पानी के हाथ तक भी सचिन हम भाई नहा भी लेंगे सचिन भाई नहा भी लेंगे हम ये वाटरफॉल अब उड़ा के दिखाऊं ड्रोन ड्रोन से बनाऊं कुछ वीडियोस ये सारे आई लव गोवा हम दुश्मन है गोवा के देख लो इतनी गंदी भूख लग रही है हाथ पैर कांप रहे टाइम तो चार बज गए मेरे साथ फोटो खिंचाऊं सास की चढ़ा तेरे भाई बहुत सीढ़ियाँ बहुत है भाई नीचे से आ रहे वहाँ से हाँ भी ऊपर कम हो गया हाँ भी चढ़ाई ऊपर से गर्मी बढ़ रही है ना यो काट रही है मैगी पॉइंट टी कॉफी चाय कुछ लेगा या खाएगा या फिर कुछ और खाएगा सिद्धू कुछ और ही खाएंगे ना कि कुछ और मिला ना आज तक मौके से बाकी एक बार आना जरूर बनता है गोवा आओ देखो गोवा में भी बहुत कस जोर लगा मैंने गोवा में भी वाटरफॉल है बारिश के टाइम में बहुत अच्छा व्यू आएगा इसका बारिश में बहुत अच्छा व्यू आएगा तो भाई मैं कह रहा था सचिन गाड़ी सही लिया है भाई मैं गलत तो ना कह रहा सही सही खत्म ना हो गलत कर गया है तो अरे रहने दो चाबी हाँ गलत ना है सही बात है ये बहुत सच्ची सही बात है बता दे रहा हूँ तेरे सही खत्म नहीं होती गलत तो जब गएगा चल उतने कर क्या होगी बस मैं साले पंखा पड़ा सचिन मैं बेलारूस ये तू भाई चलो कोई बात नहीं ड्राइव हम कर लेंगे यार कौन सी बड़ी बात है सचिन यार भाई तू ही कर होली मेरी तो डन कितनी डन हुई थोड़ी देर तो ये भी तो थोड़ी देर दो घंटे की ड्राइव करके आया हूँ चलो भाई अब निकलते होटल वापिस चल गो मनाली यार जब ये पहाड़ पसंद है यार जब पहाड़ पसंद है यार तुम जाकेट पहन रहे हो कुकड़ रहे होते हम एक घंटे ड्राइव करके हम पहुंचे अब थलासा
वैसे कुछ खाया ना सुबह तो भाई ये है भाई थलासा। ना लग जा कम पे बहुत भीड़ है, टेबल है नहीं है बैठने के लिए। बाकी सनसेट का व्यू बहुत प्यारा है यहाँ से, बहुत ज़्यादा यार मेरे को लगता नहीं मिलेगी भाई, क्योंकि पुराने जाने के लिए नाम नहीं ले रहे तो नए कहाँ से बैठाएंगे। नहीं बोला ना मैं हाँ नहीं लग रहे लोग स्टार्टिंग हुई है, हम थोड़ा पहले आ जाते ना। तो अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो भाई ऑनलाइन बुकिंग करके आना टेबल की, तब फायदा नहीं खड़े खड़े कब तक खड़े खड़े रहेंगे, पाम टूट जाएंगे। बाकी व्यू बहुत अच्छा है, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। नाम भी भूल गया मैं, थलासा। थलासा जब ये तसल्ली दे रहे थलासा दे रहे तो क्या करेंगे हम, देख रहे हैं सर। अब जा रहे हैं कहीं हिल टॉप या कहीं और से सनसेट देखने, क्योंकि हम जब से आए हमने सनसेट नहीं देखा, सनराइज ही देखा है। सनराइज भी कहाँ देखा कल, क्यों सोते रह गए? अच्छा सॉरी, हाँ सनराइज भी कहाँ देखा, सो रहे थे उस टाइम। कल का तो आज का तो देखो, कल का तो सनराइज देखा मैं गोवा में, तो वो तो पहाड़ में देखा था भाई, बात तो गोवा के सीम में थी। तगड़ा व्यू ना, बहुत जबरदस्त है ना। कई बार आ रही हूँ, पहली बार। अभी कौन सा ऐसा कौन सा अंजना बीच नहीं हो? अंजना बीच के पास ही, अभी मेरे को ही नहीं पता कंफर्म कहाँ खड़ा हूँ फिलहाल। हिल टॉप का लोकेशन यही थी, बाकी गाड़ी यहाँ गई, यहाँ से ऊपर तो भाई जा नहीं सकती। ये भी थोड़ा मतलब ऊपर खाबड़ रस्तों से कुदा के लेके आया गाड़ी को। बाकी भाई यहाँ तो सनसेट सचिन बहुत तगड़ा है। अब लेते गाड़ी भाई, वैसे फ़ोन में मेरे में बैटरी रह रही है 2%, 2-3% बस, स्विच ऑफ हो सकता है कभी भी, तो शायद हो सके मेरे को गोप्रो से शूट करना पड़े। अब यहाँ ये तो दिक्कत है, यहाँ पे बोतल पड़ी हुई गाड़ी के टायर में लगे ना, बट फाड़ देगा। चलो भाई पहले करते हैं फ़ोन, थोड़ा सा चार्जिंग हमारे टाटा केबल भी मेरी वहीं पर रह गई यार होटल में। यहाँ से हम आने में हमें लग गए कम 1.5 घंटे लग गए वापस आने में, और रास्ते में बहुत जगह चेकिंग भी हो रही थी तो इसलिए मैंने मास्क लगा रखा था। मगर ये लगा ले यार, जरूरत पड़ जाए भी मतलब क्यों चलान कटवाना। बाकी अभी जाने का था अंजुना बीच पे, पर सुबह से कुछ खाया नहीं है, और पराठे 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 खाए थे सुबह, बस एक पराठा खाया और चाय थी उसी में निकले थे, वहाँ चले गए वहाँ पे। उसके बाद नारियल पानी पिया है, पानी पी के ही काम चला रहे हैं अब पहुँचते होटल। वैसे फ़ोन की मेरी की बैटरी जा चुकी इसलिए मैं अब GoPro से शूट कर रहा हूँ। मेरे को पता नहीं GoPro की जो क्लियरिटी है वो इतनी अच्छी नहीं लगती जो फ़ोन की लगती है, फ़ोन के जो कलर है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी सचिन भाई ने तो कर लिया यहाँ पर ऑर्डर देगा कुछ खाने के लिए, ऑमलेट आलू पराठा सैंडविच। यार मेरे चाय पीनी है, चाय मिल जाएगी? सचिन भीतर बैठा ना, कहीं पंखा नीचे बैठ, पंखा तो पंखा चल रहा है। चाय आ गई अपनी, और ये इतनी कैचअप लेगा भाई तू, थोड़ी सी है, मैं तो ऑमलेट खाऊंगा। खा के मिलते हैं, सुबह कुछ नहीं खाया भाई अब, लेकिन मैं परेशान हो रहा हूँ कभी के होटल का टाइम हो रहा है 7:30, तो और भाई अभी आके बस फ़ोन चार्ज किया है, क्योंकि फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, और अभी भी चार्ज किया गया है इसमें लगा के चार्ज कर रहा हूँ फ़ोन के उसमें, और मैं चार्जर का जो अडेप्टर है वो लाना भूल गया था, और बाकी मैं तो गाड़ी में चार्ज करता आ रहा था, अब चार्ज कर रहा हूँ ड्रोन के इसमें। गाइस इस व्लॉग को करते हैं यही एंड है, अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। बाकी कल जाते हैं कहीं और घूमने गोवा में एक्सप्लोर करने के लिए नई जगह। चलो बाय।